बात शेयर करना चाहूंगा, एक बहुत मतलब आप माने चाहे ना माने, लेकिन एक सीख देने वाली बात है जिससे मैंने खुद ने सीखा। मैं बीकानेर में, ये पहला आरजे पहला एफएम चैनल है ना, बीकानेर में पहला एफएम चैनल है और मैं पहला आरजे हूँ बिग एफएम का। राजस्थान में मैं पहला आरजे हूँ जो ऑन एयर गया था फर्स्ट टाइम पे। इससे पहले कभी भी एफएम सुना नहीं, एफएम से कोई जुड़ाव नहीं, पता नहीं एफएम क्या होता है, एफएम की फुल फॉर्म जैसे इन्होंने अभी पूछी, मुझे भी नहीं पता था कि एफएम की फुल फॉर्म क्या है। पता चला अखबार में ऐड आया कि एक एफएम चैनल खुल रहा है और उसके लिए आरजे की, प्रोग्रामिंग हेड की, मार्केटिंग की, सेल्स की, कार्ड्स की, इन सारे लोगों की जरूरत है। तो हम भी दोस्त लोग गए, हालांकि मुझे ये जरूर था कि रेडियो क्या है, क्योंकि उससे पहले मैं AIR में काम कर चुका था, AIR में मैं शोज करता था, तो रेडियो क्या है ये तो पता था, लेकिन FM से बिल्कुल भी मैं अलग था। मैं एक जगह गया, जो अखबार में एड्रेस था, एड्रेस में लिखा हुआ था रिलायंस कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, रानी बाजार में रिलायंस कम्युनिकेशन का ऑफिस है। मुझे लगा कि वहां पर ऑडिशन हो रहे होंगे, मैं वहां पर गया, तो मैं बहुत सिंपल परिवार से हूं, तो मेरा पहनावा भी बहुत सिंपल था। मैं सिंपल सा अपना वहां पर गया, तो मैंने वहां पर पूछा, यहां पर आरजे के ऑडिशन हो रहे हैं, तो एक लड़की बैठी थी, तीन चार बॉयज थे वहां पर, तो लड़की ने मुझे बोला कि एफएम के ऑडिशन यहां पर नहीं हो रहे हैं, साधुगंज में जो ऑफिस है रिलायंस कम्युनिकेशन का वहां पर हो रहा है। मैंने कहा अच्छा जी धन्यवाद। मैं घूम गया, मेरे घूमते ही उस लड़की ने अपने दोस्तों को जो साथ काम करने वाले जो तीन चार लड़के थे, एक दो और बैठे थे, उन्होंने उस लड़की ने उनको बोला लो इनको भी आरजे बनना है, ताने के ताना कसते हुए कि इनको भी आरजे बनना है, शक्ल सूरत देखी नहीं और उठ के आ गए। जब उस लड़की ने उनको साथ वालों को बोला कि इनको भी आरजे बनना है और शक्ल सूरत देखी नहीं उठ के आ गए, मैंने उसको उनको वापस से मुड़ के देखा और मैं वहां से निकल लिया, ठीक है। मैं जहां पर ऑडिशन होना था मैं वहां गया, उन्होंने गेट पर ही मुझे पूछ लिया था, मेन गेट पर ही, कि आपको इंग्लिश आती है। मैंने कहा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मेरे अंदर ऐसी क्षमता है कि मैं हिंदी में अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा सकता हूं। ये मेरा पहला वाक्य था और उन्होंने इसी वाक्य से वो इंप्रेस हुए और उन्होंने मुझे बैठने के लिए अंदर बुलाया। मैं 7 राउंड हुए, 600 लोगों ने ऑडिशन दिए थे बीकानेर से, 596 थे टोटल, 596 थे और मेरा नंबर 596 नंबर था। सबसे लास्ट में ऑडिशन ही मैंने दिया था। 596 में से 250 सेलेक्ट हुए पहले राउंड में, फिर दूसरा राउंड और पहला राउंड इंटरव्यू राउंड, जिसमें इंटरव्यू में बेसिक आपसे जो बातचीत होती है वो। सेकेंड राउंड हुआ, फिर 250 लोगों को सेलेक्ट किया गया, 250 में से उनका फिर से ऑडिशन हुआ, उनके राउंड्स हुए, स्क्रिप्ट लिखाई गई, प्रेजेंटेशन करवाई गई, 50 लोग सेलेक्ट हुए, फिर 50 का फिर हुआ, फिर 50 में से 20 सेलेक्ट हुए, 20 में से 12 हुए, 12 में से 6 हुए और फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया फाइनल राउंड में। अब देखिए किस्मत ने साथ दिया, मेरी मेहनत थी, मैंने कभी हार नहीं मानी, उस राउंड में मैं चलता रहा, जो भी मेरे को आया, जो भी मैं स्पष्ट रूप से जो बात कर सकता था मैंने बहुत क्लियर कट बात की। मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, मुझे माउस कभी मैंने हाथ नहीं लगाया था और उस टाइम पे कंपनी में आने के बाद में मैंने माउस को पहली बार हाथ में पकड़ा था। अब 10 साल हो चुके हैं मेरे को इस फील्ड में, इसी जगह पर लगातार, और संयोग देखिए वो ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसी गोटियां घुमाता है। हाँ बिल्कुल गोटियां घुमाता है। एफएम में मेरे सिलेक्शन होने के बाद में वो ही लड़की जिसने मुझे कहा था कि शक्ल सूरत देखी नहीं और उठ के आ गए, मेरे को गार्ड ने बुलाया, सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है।
मैंने कहा ठीक है आता हूं। अब उन्होंने काफी देर मेरा इंतजार किया क्योंकि मेरा शो चल रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि भाई आरजे रोशन ही कोई और है तो उनसे मिला दीजिए। मेरे बॉस से मिला दिया गार्ड ने, उनको आरजे बनना था। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया कि रोहित ये हैं और इनको आरजे बनना है। मैंने कहा जी सर। तो बोले कि आप इनका एक ऑडिशन ले लीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। ये नजरें मिलने वाली बात नहीं थी। उन्होंने मुझे देख करके फ्लैशबैक में एक साल पहले जो फ्लैशबैक में हुआ था उनके भी चेहरे पर आ गया, दिमाग में आ गया, मेरे भी दिमाग में आ गया। मैंने कहा ये तो वही लड़की है, मन में सोचा, जिसने मेरे को ऐसा बोला था। और हो सकता है कि इसी के ताने की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। कई बार होता है ना, अब सर ने जब बॉस ने उनको बोल दिया कि रोहित इनका एक ऑडिशन ले लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसको आगे बात करते रहे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलिए। तो उसको इतना फील हुआ, उसने वहीं पर हाथ जोड़े और बोले कि नहीं मुझे आरजे नहीं बनना, मैं ऑडिशन नहीं देना चाहती। और उस टाइम तो चले गए, लेकिन 6 महीने बाद वो वापस से आए और उन्होंने कहा कि मेरे को आरजे बनना है, मेरे को ऑडिशन देना है। मैंने कहा ठीक है, ऑडिशन लिया और मैंने जो भी फीडबैक था मैंने अपने बॉस को बोल दिया कि भाई ये आरजे अभी नहीं बन सकते, अगर थोड़ा सा इनको मेहनत करे, थोड़ा सा काम करे तो ये बन जाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने मेरे से माफी मांगी कि मैंने उस टाइम पे बहुत गलत बात बोली थी और मुझे इसका फील है, मैं आगे से कभी ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलूंगी। और उसके बाद में भी आपने मेरे साथ बहुत नम्रता से व्यवहार किया, मैंने उनके साथ कोई घमंड से पेश नहीं आया, मैंने उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया कि आपने मेरे को ऐसा समझा और मैं आपके साथ में ये बिहेव करता हूँ, क्योंकि वो मेरे कल्चर में नहीं थी, वो मेरी स्वभाव में चीज नहीं थी, इसलिए मैंने उनको नम्रता से ही उनको किया। इससे एक सीख मिलती है जो मैंने खुद ने अपनाई कि अपने से किसी को भी छोटा और किसी को भी वैसा नहीं समझना चाहिए। कोई भी आदमी कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पहुंच करके आपके सामने आ सकता है ना।